देखिए स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ेंगे विश्व का सेकंड पार्ट, इंटरनेशनल जीके सेकंड पार्ट। देखिए इसमें हमारा झुकी मीनार, जो झुकी मीनार है वो पिसा की है, यानी कि स्थान क्या है पिसा, और देश कौन सा इटली, यानी कि जो झुकी मीनार है वह कहाँ पर है इटली में है, और कौन से स्थान पर पिसा में। ग्रेट वॉल यानी कि चीन, महान दीवार कहाँ पर है चीन में, और वो कहाँ पर है चीन में, उत्तरी चीन में, उत्तरी चीन में, ठीक है। पिरामिड जो है आपके वो कहाँ पर है पिरामिड, मिस्र के पिरामिड, ठीक है, मिस्र के पिरामिड, और ये है कहाँ पे गीजा में, गीजा नामक स्थान पर है। एम्फिल टावर आपका कहाँ पर है फ्रांस में, ठीक है, और ये कहाँ पर है पेरिस में। और जीएसटी को शुरू करने वाला फर्स्ट देश आपका, जीएसटी को शुरू लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, फ्रांस, ठीक है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी, स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहां पर है ये आपका यूएसए में, और कहां पर है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। अब है देश, ठीक है, देश और चिन्ह, ठीक है, देश और चिन्ह। भारत, भारत का चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र। पाका चमेली यानी कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, चमेली। बांग्लादेश का आपका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, वाटर लिली। इटली का क्या है, सफेद लिली। तुर्की का क्या है, चांद तारा, ठीक है, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, चांद तारा। ईरान का क्या है आपका, गुलाब का फूल, क्या है, गुलाब का फूल। रूस का क्या है, दो सिर वाला ईगल, डबल हेडेड ईगल, डबल हेडेड ईगल, ठीक है, कहां का, रूस का, ठीक है। एक बार और मैं रिवाइज करा तो, झुकी मीनार इटली में, जो पिसा नामक स्थान पर है, ठीक है। ग्रेट वॉल चीन की है, जो उत्तरी चीन में है। पिरामिड आपके मिस्र में है, जो गीजा नामक स्थान पर है। एफिल टावर आपका फ्रांस में है, जो पेरिस में है। जीएसटी फर्स्ट देश यही है लागू करने वाला, जो जीएसटी लागू की इसने। और भारत कौन सा है, 161वां देश है, ठीक है, 161वां देश है जीएसटी लागू करने वाला। और ये किसके आधार पर है जीएसटी, ये आपका जो है कनाडा के जीएसटी उस पर है, ठीक है, आधारित। स्टेचू ऑफ लिबर्टी आपका यूएसए में है, जो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, पाकिस्तान का चमेली है, बांग्लादेश का वाटर लिली है, इटली का आपका सफेद लिली है, टर्की का आपका चांद तारा है, और ईरान का आपका गुलाब का फूल है, रूस का आपका डबल हेडेड क्या ईगल है, ठीक है। ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसे मैकमोहन रेखा किस किस को अलग करती है आपकी, किस किस को अलग करती है, भारत और चीन को, ठीक है, भारत और चीन को। रेड क्लिफ रेखा आपकी, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को, ठीक है, भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, ठीक है। 38वीं समांतर रेखा आपकी दक्षिणी कोरिया और उत्तर कोरिया, ठीक है, दक्षिणी कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करती है। ड्यूरेंट रेखा आपकी पाक और अफगानिस्तान, पाक और अफगानिस्तान को अलग करती है, ठीक है, पाक और पाकिस्तान यानी कि और अफगानिस्तान को अलग करती है, कौन, ड्यूरेंट रेखा। मैकमोहन रेखा भारत चीन को अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाक को अलग करती है पाकिस्तान को। 38वीं समांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करती है। और ड्यूरेंट रेखा आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, ठीक है। देखिए ये देश है और राजनीतिक दल है, ठीक है, ये देश है और राजनीतिक दल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रिपब्लिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका की। डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी ये कहां की है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। बांग्लादेश की आपकी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और आवामी लीग, आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनल पार्टी। चीन की आपकी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। भारत की आपकी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये भारत की है, ठीक है। पाक की आपकी मुस्लिम लीग और पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी, ठीक है, पाकिस्तान की मुस्लिम लीग और पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी।
भारतीय कांग्रेस और जनता पार्टी, चीन की आपकी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और आवामी लीग, संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, ठीक है। देखिए यह प्रतीक, ये किसके, कौन सा किसका प्रतीक है? ठीक है, देखिए कलम और कमल का फूल, कलम और कलम का, कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। ठीक है, रेड क्रॉस आपका डॉक्ट्री का आपको पता है। ठीक है, ये चिन्ह आपका रेड क्रॉस जो है, लाल चिन्ह है, ये आपका डॉक्ट्री का प्रतीक है। लाल झंडा आपका क्रांति और खतरे का प्रतीक है, लाल झंडा आपका क्रांति और खतरे का प्रतीक है। काला झंडा आपका विरोध का प्रतीक है, कि काला झंडे दिखा दिए फला पार्टी को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विरोध, यानी कि विरोध जताया जा रहा है। ठीक है, पीला झंडा आपका संक्रमण, संक्रमण रोगी को ले जाते हुए गाड़ी पर आपको ये झंडा देखने को मिलेगा। उल्टा झंडा आपका राष्ट्रीय संकट, यानी कि संकट। ठीक है, और झुका झंडा आपका राष्ट्रीय शोक। ठीक है, जब कोई बड़ा शोक हो जाता है राष्ट्र का, तो उसमें जो है झंडे को थोड़ा झुकाया जाता है, थोड़ा झुकाया जाता है। ठीक है, देखिए लाल त्रिकोण क्या है, परिवार नियोजन। लाल त्रिकोण क्या है, परिवार नियोजन। कबूतर क्या है, शांति। ठीक है, शांति का प्रतीक है। लाल प्रकाश आपका खतरे का तथा यातायात, यातायात रोकना। ठीक है, यातायात को रोकना। हरा यातायात में जाने के लिए, यातायात जाने के लिए। ठीक है, यातायात में जाने के लिए, कि जाइए, हरा हरा रंग प्रकाश जब दिखाया जाता है। ठीक है, आंखों पर पट्टी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई होना और हाथ में तराजू होना। ठीक है, न्याय का प्रतीक। ठीक है, न्याय का प्रतीक। और हड्डी, एक खोपड़ी, ठीक है, और उस पर दो इस तरह से कटे हुए निशान, ये आपका बिजली, बिजली खतरा। ठीक है, बिजली खतरा। ठीक है, बिजली खतरा। ये देश है और ये पशु है, यानी कि राष्ट्रीय पशु। ऑस्ट्रेलिया का आपका कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया का आपका कंगारू है। कनाडा का आपका गंजाईगल है, कनाडा का आपका गंजाईगल है। जापान का आपका आइसबिस है और न्यूजीलैंड का आपका कीवी है, न्यूजीलैंड का आपका कीवी है। ठीक है, भारत का आपका बाघ है, भारत का क्या है, बाघ। ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पक्षी भारत का मोर। ठीक है, राष्ट्र चिन्ह आपका क्या है, अशोक चिन्ह। ठीक है, और राष्ट्रीय झंडा क्या है, तिरंगा। राष्ट्रीय झंडा क्या है, ध्वज या तिरंगा। तिरंगा मतलब तीन रंगों वाला तिरंगा और बीच में एक चक्र, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। इसके अंदर 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, जो हमें 24 घंटे आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। देखिए भारत की, ये देश है और ये सांसद है। ठीक है, भारत की क्या है, सांसद, संसद बोलते हैं इसे। क्या है, भारत की क्या है, संसद। ठीक है, ये देश है, ये संसद है। ठीक है, भारत संसद, पाकिस्तानी क्या है, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। ब्रिटेन की क्या है, पार्लियामेंट, और कनाडा की भी। ठीक है, कनाडा और ब्रिटेन की क्या है, पार्लियामेंट है। चीन की क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। फ्रांस की क्या है, नेशनल असेंबली। एक बार और देख लीजिए, देश और संसद, भारत की संसद। ठीक है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, कनाडा तथा ब्रिटेन की पार्लियामेंट, चीन की आपकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक है, फ्रांस की आपकी नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। ठीक है, यानी कि फ्रांस की और पाकिस्तान की, ठीक है, एक ही है, एक ही नाम है, नेशनल असेंबली, पाक की और फ्रांस की नेशनल असेंबली। ठीक है, पार्लियामेंट कनाडा और ब्रिटेन की, और भारत की संसद। ठीक है, चलिए देखिए ये समाचार पत्र है जो मुख्य है। ठीक है, द टाइम्स, द टाइम्स कौन, कहाँ का, लंदन का। द टाइम्स है लंदन का। डेली मेल, डेली मेल भी कहाँ का है, आपका लंदन का। ठीक है,
लंदन का, और द हिंदू चेन्नई का, द हिंदू चेन्नई का, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया आपका भारत का है, द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत का, द टाइम्स लंदन, डेली मेल लंदन, द हिंदू चेन्नई, द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत, ठीक है, ये मुख्य समाचार पत्र हैं। देखिए मैंने आपकी जो ना बहुत छोटी सी वीडियो में, ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो में आपको जो है ना बहुत अधिक देने की कोशिश किया है, ठीक है, बहुत अधिक देने की कोशिश की है मैंने कि बहुत कुछ समझा दूं आपको बहुत थोड़ी सी वीडियो में, ठीक है। देखिए मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आती है तो, ठीक है, अगर आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है, और ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप मेरे उस पर जो है कमेंट जरूर करना वीडियो के नीचे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।